सो फर्स्ट पैरामीटर है, आपने कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट किया था? मैंने बी सिविल। सिविल के लिए, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर इज फैकल्टी। आपके बेस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ की फैकल्टी कैसी रही और उन्होंने आपको हेल्पफुल थी अच्छे से बहुत पढ़ने? अच्छी है फैकल्टी, तो अच्छी एक्सपीरियंस की है, उसके लिए तो मैं 9 दूंगा। ओके। और स्टूडेंट डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, स्टूडेंट्स जैसे कि ज्यादातर किस लोकेशन से होते थे, विद इन द स्टेट होते थे या आउटसाइड द स्टेट? आउटसाइड स्टेट भी हैं बट मेजोरिटी यहीं के रहते थे, और मेन वो क्या बोलते हैं SC ST वाले ज्यादा थे क्योंकि गांव की तरफ से, तो वो मतलब अच्छी बात है क्योंकि मतलब गांव में जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं रहते, तो वहां पे वो था तो वहां के लिए अच्छी थी। अच्छा, ओके। सो आप क्या कहते हैं, क्या एवरेज परसेंटेज होना चाहिए स्टूडेंट का, द क्राइटेरिया कि वहाँ उनको एडमिशन मिल जाए? परसेंटेज मतलब पासिंग परसेंटेज। यहाँ मैम हाँ वो हाँ तो मैम वो तो आप जैसे मेरा तो इंजीनियरिंग था, तो उसके लिए PET आपको स्कोर कार्ड रहना चाहिए था, PPM में 60%, तो वही सिक्सटी अच्छा, परसेंट के आसपास। ओके। सो एनवायरनमेंट कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था स्टूडेंट्स के साथ जो अलग अलग जगह से थे? मैम फ्रेंडली था मैम वहाँ, तो मैं तो 4 साल पढ़ा, मेरे को मजा आया पढ़ने में, बहुत अच्छी जगह। अच्छा, कितना रेटिंग देना चाहेंगे स्टूडेंट डाइवर्सिटी को? ओके। मैम उसमें 8। और फैसिलिटीज के बारे में बताएं, जैसे कि कैसी फैसिलिटीज रही, जैसे क्लासरूम्स, एसी, नॉन एसी? मैम जो मैम नॉन AC है बट जो क्लासरूम थे वो अच्छे थे, बट लैब वो हमें भी अच्छी नहीं है। अच्छा, और जो लाइब्रेरी? प्रैक्टिकल जी। लाइब्रेरी अच्छी है, 3 मंजिला है उनकी, पहले दो दो मंजिला थी, फिर तीसरी उन्होंने फिर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन तो है यूनिवर्सिटी, तो जी जी तीसरी फिर बनी उसकी। अच्छा, बस लैब बस उनकी अच्छी नहीं है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी अच्छा है उनका, क्लासेस वगैरह भी अच्छे हैं। और क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो कैसी रही? वो भी बढ़िया है मैम। मेडिकल तो एनी टाइम मतलब डॉक्टर और एक नर्स वहाँ पे रहते थे, कुछ मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि शहर से दूर है, अगर कुछ हो तो उस वजह से फर्स्ट हाँ एड वहीं मिल जाता था। फिर गनियारी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ सीधा लेके मतलब तुरंत ले जाते थे, हालांकि होता नहीं था। बाकी डॉक्टर एक है राय ज्यादा सर बैठते थे, तो अच्छा अच्छा था उनका। मैं तो 2-3 बार जैसे फ्रेंड वगैरह को कोई प्रॉब्लम हुआ तो जी। मैं लेके जाता 2 बार। अच्छा, और स्पोर्ट्स कैसी रही? स्पोर्ट्स भी अच्छा मैम, हर साल मतलब ये दिसंबर के टाइम पे स्पोर्ट्स मीट होती थी, जी। और लगभग जनवरी के आसपास एनुअल फंक्शन, तो वो भी बढ़िया ही था। और अच्छा, दूसरी चीज जैसे गणेश पूजा का आयोजन वो भी होता था, वो सिविल वाले कराते थे, और जी। विश्वकर्मा पूजा का आयोजन होता था 17 सितंबर, वो मैकेनिकल वाले कराते, तो इसमें भी वो अच्छा है कि कम से कम रिलीजियस आप करते हो जो, उसमें भी बढ़िया था। जी, तो कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप फैसिलिटीज को out of 10? अब मैम प्रैक्टिकल तो मेरे लिए मेन है, तो उसकी वजह से मैं 3 नंबर काटूंगा, लेकिन 7 या 8 8 दे दीजिए। फिर वो लोग प्रैक्टिकल जो उनकी लैब है ना, मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इक्विपमेंट सब अवेलेबल है, बट जो उनकी ना लैब है ना वो अल्टेक्सर शीट और ये सब थी, तो अब उनको वो रिनोवेट करके उनको मतलब परमानेंट बिल्डिंग उनको बनानी चाहिए वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। आप हॉस्टलेट थे या डे स्कॉलर थे? अच्छा, मैं तो मैम यहाँ बिलासपुर में रहता हूँ, तो मैं आना जाना करता था हॉस्टलर में। और हॉस्टल्स के बारे में कोई फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में हॉस्टल कुछ में गया जानकारी? था, मेरे को थोड़ी जानकारी यही है कि जो मतलब रहते थे उनके लिए टॉयलेट बस की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बच्चे ज्यादा थे और टॉयलेट कम थे, बाकी रूम वूम तो मैं देखा बहुत बढ़िया थे रूम। अच्छा, और फूड की क्वालिटी जैसी थी हॉस्टल में और कैंटीन में? हाँ मैं एक ही बार खाना खाया हूँ, खाना अच्छा था, वो भी छिप के खाना पड़ता था क्योंकि फ्रेंड लेके आता था अपने रूम में कि मैं खाऊंगा करके, और फिर उसमें मैं वो दो जन दोनों शेयर करके खाते थे, तो खाना मैं खाया हूँ, खाना अच्छा रहता था, और मेन्यू भी बहुत अच्छा है, रोज दूसरी दूसरी सब्जी, दाल चावल और रोटी, ये बेसिक था, बाकी सब्जियाँ भी चेंज होती थी और आइटम्स वगैरह भी चेंज होते रहते। अच्छा, तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे out of 10 एकोमोडेशन को? एकोमोडेशन को मैम 9। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए, यहाँ एडमिशन लेना इजी है, डिफिकल्ट है या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है? इजी है मैम, अच्छा। कोई और कोई हार्ड एंट्रेंस एग्जाम नहीं। था? एंट्रेंस एग्जाम नहीं था क्योंकि जैसे PET आपके पास स्कोर कार्ड रहना चाहिए, तो
बाकी हाँ काउंसलिंग होती है, बट मैं ये ध्यान दिया कि जैसे 4 से 5 काउंसलिंग हुई तो 5वीं काउंसलिंग में भी लोगों को सीवियर मिल रहा था, मतलब सीट्स खाली थी। अच्छा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है? जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हाँ वो स्कॉलरशिप जैसे कि हर बच्चे को मिलता है या फिर ओनली मेरिट्स को मिलता है? मेरिट को तो नहीं पता, पर SC ST जो सरकार देती है वो है, और हाँ जो आप कॉलेज की तरफ से बोल रहे हो तो वो मेरिट वालों को देते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर को देते हैं 3 लोगों को। अच्छा तो आप जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो तो फॉलो करते ही है वो लोग, जो SC ST और OBC में जो देती थी सरकार वो देती है। अच्छा ठीक है, तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे एडमिशन प्रोसेस का आउट ऑफ 10? एडमिशन तो सर मैम थोड़ी हार्ड करनी चाहिए, उसके लिए मैं 5 दूंगा जी। किसी को भी सीवी रमन बोलो तो वो आसान समझते हैं, सिर्फ एडमिशन की वजह से, बाकी फैसिलिटीज तो बाकी बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, और प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में बताइए, प्लेसमेंट कैसी रहे, कंपनीज जो आती थी वो किस तरह का प्लेसमेंट दिए, मतलब एवरेज और हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस क्या दे रही थी? मैम हाईएस्ट सैलरी का जैसे को नहीं पता क्योंकि तो प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। हाँ कंपनीज आती थी, 24-25 कंपनी आई, पर यही है कि मतलब जिसके अंदर छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में ना देखे, बैंगलोर और चेन्नई में दे रही है तो वहाँ सुविधा नहीं है, सैलरी पैकेजेस कम थी वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे प्लेसमेंट को आउट ऑफ 10? प्लेसमेंट को भी 5 मैम। ठीक है, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी क्यों चुना और आपको किसने सजेशन दी थी? मैम सजेशन तो मेरे फ्रेंड ने ही दी थी, और मेरा फ्रेंड है मेरा उसकी वजह से गया था, पर जॉक से अच्छा मेरा सीवी रमन इसलिए लगा था कि थोड़ा मतलब एटमोसफेयर वहाँ का ज्यादा अच्छा था चौक से, और दूसरी चीज जो को करिकुलर एक्टिविटीज और आप जो ये बोल रहे हो वो भी वहाँ पे बढ़िया होती थी, उस वजह से मैं उसके गया था, और ये भी कारण था मैं फर्स्ट काउंसलिंग में मेरे को चौक से मिला था, बट मेरे को ना CS ब्रांच मिला था, मेरे को अच्छी तरह सिविल, तो सेकंड काउंसलिंग में मेरे को सिविल यहाँ पे मिल गया तो मैं सिविल रहा, मैं वो भी कारण था। अच्छा ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक।